बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो नम्स एंटी टेस्ट है उसके हवाले से पहले मैंने एक आपको वीडियो बताई थी, उसमें कुछ चीज़ें बताई थी और इस वीडियो में भी हम उसी पर ही बात करेंगे, लेकिन प्रॉपरली इस पर पूरी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंटी टेस्ट जो है कब होगा, मेरिट क्या बनेगा, या फिर इसमें सिलेक्शन सेंटर जो है वो कौन कौन से हैं और फीस क्या है वगैरह वगैरह। जी डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें के जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसमें पाकिस्तानी सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, डुअल नेशनलिटी अगर किसी के पास है या फॉरेन नेशनल जो है बाहर से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी आपकी होनी चाहिए और एफएससी के साथ आप ये जो ए लेवल वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12 ग्रेड जो रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स जो हैं अगर आपको 55% आपके हैं इसमें एम डी कैट में आपके होने चाहिए एम बी बी एस के लिए, और आपके 55 जो हैं वो होने चाहिए बी डी एस के लिए, यानी कि आपने जो एम डी कैट है वो पास किया हो और एम बी बी एस में अगर आपने अप्लाई करना है एम बी बी एस के लिए आपके 65% हैं और बी डी एस के लिए 55% उसमें से आपका नंबर होने चाहिए एम डी कैट में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट की जो एंटी टेस्ट की जो डेट है अगर उसके बारे में हम बात करें एंटी टेस्ट, तो 9 अक्टूबर संडे वाला दिन होगा और 2022 यानी कि 9 अक्टूबर को ये टेस्ट होगा। दिन 11 बजे ये टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट पैटर्न जो होगा उसके दो हिस्से होंगे। जो पहला हिस्सा है उसमें एमसीक्यू जो होंगे वो 150 एमसीक्यूज होंगे और टाइम उनके लिए आपके पास होगा 1 घंटा 50 मिनट। इसमें बायोलॉजी के 60 नंबर होंगे, केमिस्ट्री के जो होंगे 38 होंगे, फिज़िक्स के 37 हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे और साइकोलॉजिकल जो होगा पोर्शन वो हिस्सा बी में होगा। हिस्सा बी में 100 जो है आपके क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा आधा घंटा। का मेरिट जो है कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, इसमें बायोलॉजी के आपको 35% नंबर मिलेंगे, केमिस्ट्री के 25 हैं, फिज़िक्स के 25, इंग्लिश के 10% और साइकोलॉजी टेस्ट 5% होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो आपने करवानी है वो कैसे है, तो 26 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जो कि जब हुई थी तो मैंने उस वक्त आपको बताया भी था वीडियो में, और 19 अगस्त 2022 जो इसकी डेट है जो नॉर्मल फीस के साथ, और फिर 20 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक जो इसकी डेट होगी वो आपको डेट इसकी है, लेकिन वो डेट जो होगी वो लेट फीस के साथ होगी। अभी हम आपको बताते भी हैं कि लेट फीस क्या है, और इसके लिए नम्स की वेबसाइट पर जाके आपने अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो टेस्ट सेशन जो है वो इस्लामाबाद में भी होगी, पंजाब में, सिंध में, केपीके में और एजेके में भी, ये देखें आगे कौन कौन से ज़िले हैं वो भी आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं। और अगर हम बात करें कि इनकी जो फ़ीस है, तो फ़ीस पाकिस्तानियों के लिए 3500 रुपये है नॉर्मल फ़ीस, और इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके लिए 20,000 रुपये है नॉर्मल फ़ीस। लेट फीस पाकिस्तानियों के लिए 5,000 रुपये है और इंटरनेशनल जो है उनके लिए 30,000 रुपये है। और ये आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसका सारा प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था, वो इस चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हर वक्त आपके पास पहुँचती रहें।